Hi, welcome to Belly Timber House. आज मैं बनाने जा रही हूँ बेक्ड समोसा, जिसे आप कई दिनों तक यूज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप गेहूं का आटा, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून सॉल्ट एंड 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल। मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप कोई भी एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ठंडे पानी के साथ आटा लगा लेंगे। ध्यान रखिए कि आटे को ज्यादा देर तक ना गूंदे। अगर आप आटे को ज्यादा देर तक गूंदेंगे तो समोसा खस्ता नहीं बनेंगे। अब हम एक बोल में 1/2 टीस्पून काले मिर्च, 1/2 टीस्पून सौंफ एंड 1/2 टीस्पून साबुत धनिया लेंगे और उसे क्रश कर लेंगे। मैं कूटनी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को एक बड़े कंटेनर में लेंगे और उसी कूटनी में 2 टेबलस्पून नमकीन लेंगे और उसे भी क्रश कर लेंगे। आप कोई भी नमकीन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नमकीन अवेलेबल नहीं है तो 2 टेबलस्पून बेसन को ड्राई रोस्ट कर भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस क्रश्ड नमकीन को मसाले वाले कंटेनर में डाल देंगे और कूटनी में 2 टेबलस्पून आलू भुजिया लेंगे और उसे भी क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद उसे भी हम कंटेनर में मिला देंगे। अब हम इस कंटेनर में 1 टेबलस्पून मूंग दाल नमकीन डालेंगे और 1 टेबलस्पून नमकीन बूंदी डालेंगे, दिस इज ऑप्शनल। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, आप चाहे तो इमली की चटनी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून किशमिश, 1 टेबलस्पून क्रश्ड काजू डालेंगे और अब हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम इस मसाले को साइड में रख देंगे और समोसे के आटे के छोटे छोटे टुकड़े बेलना शुरू करेंगे। आटे को गोल नहीं बल्कि लंबा बेलेंगे। अब हम इसको बीच में से काट कर इसके 2 बराबर हिस्से कर लेंगे और उसे हाथ में लेकर कॉर्नर्स पर पानी लगा देंगे और समोसे में मसाला भरकर पीछे एक प्लीट डालकर समोसे का शेप देंगे। इसी तरह अब हम सारे समोसे बना लेंगे और सारे तैयार समोसों को एक ग्रीस्ड प्लेट पर रखेंगे। अब हम इन्हें अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस करके 25 मिनट के लिए 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोनों तरफ से बेक करेंगे। हमारे बेक्ड समोसे बनकर तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कोई रेसिपी जानना चाहते हैं या आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बेली टिम्बर हाउस एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।